Welcome dear students, today I am going to take lecture on concept of business and agribusiness. आज हम business एवं agribusiness को समझने की कोशिश करेंगे. तो शुरुआत करते हैं business, व्यापार क्या होता है. तो business एक economic activity है जो production साथ ही साथ sales of goods and services के लिए कार्य किया जाता है और जिसका ultimate purpose होता है motive of earning profit, लाभ कमाना अंतिम उद्देश्य होता है. अगर हम बिज़नेस को और अच्छे से समझना चाहें तो हम कंपेयर करके देखते हैं कि बिज़नेस क्या होता है, प्रोफेशन या व्यवसाय क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट या रोज़गार क्या होता है. तो इनको हम निम्न बिंदुओं पर समझ सकते हैं. जैसे पहला है हमारा मोड ऑफ ऑपरेशन, है ना, कि किस तरह से मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, किस तरह से हम उसको ज्वाइन कर सकते हैं. तो बिज़नेस की जब हम बात करें तो हमको एक एंटरप्रेन्योर डिसीजंस या व्यापारिक डिसीजन लेने होते हैं और कुछ ज़रूरी कागजातों को, फॉर्मेलिटीज़ को पूरा, लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना. अगर हम प्रोफेशन करना चाहें तो हमें मेंबरशिप लेनी होती है उस प्रोफेशनल बॉडी की, उस व्यावसायिक बॉडी की, तो वो हमें लेके सर्टिफिकेट लेके हम कार्य कर सकते हैं. और एम्प्लॉयमेंट अगर हम करना चाहें तो हमें इंटरव्यू देना पड़ता है और अगर हम सिलेक्ट हुए तो हम अपॉइंटमेंट लेटर के द्वारा हम उस सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं. तो बिज़नेस में हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि कोई हमको एक शॉप खोलना है, लाइक किराना की शॉप खोलना है. प्रोफेशन की जब हम बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल हम कोई डॉक्टर हैं तो हमें वो मेडिकल एसोसिएशन की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी. और एम्प्लॉयमेंट, हम कोई भी एम्प्लॉयमेंट जैसे किसी गवर्नमेंट ऑफिस में ज्वाइन करते हैं उसके लिए. सेकेंड पॉइंट है नेचर ऑफ वर्क. नेचर ऑफ वर्क, यहाँ पर हम बात करते हैं कि क्या होता है. तो बिज़नेस में क्या होता है कि गुड्स और सर्विसेज को हमको पब्लिक को देना होता है. प्रोफेशन में हम क्या करते हैं, हम प्रोफेशनल सर्विस देते हैं हम एक्सपर्ट के द्वारा. जैसे डॉक्टर अगर हड्डी रोग है तो हड्डी रोग की, नेत्र रोग वाला है तो नेत्र रोग. वैसे एम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम जिस जॉब में, जिस गवर्नमेंट सेक्टर में काम करें, अगर बैंक में तो बैंकिंग सर्विस देंगे, हम हॉर्टिकल्चर बोर्ड में काम कर रहे हैं तो हॉर्टिकल्चर सर्विस देंगे, इस तरह हम. वैसी क्वालिफिकेशन, तो बिज़नेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती. प्रोफेशन के लिए हमें वो ट्रेनिंग या एक डिग्री की ज़रूरत ज़रूरी आवश्यकता होगी. वैसी एम्प्लॉयमेंट में भी हमें क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है. चौथा बिंदु है रिवॉर्ड और रिटर्न, हमें क्या प्राप्त होता है. तो बिज़नेस से हमें प्रॉफिट मिलता है जो हम बात कर रहे हैं उद्देश्य. प्रोफेशन जब हम करते हैं तो प्रोफेशनल फीस मिलती है. एम्प्लॉयमेंट अगर हम कर रहे हैं तो हमें सैलरी मिलेगी पर मंथ या वेज मिलेगा, मजदूरी मिलेगी प्रतिदिन. कितना पैसा, फिफ्थ पॉइंट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा लग सकता है. तो बिज़नेस में जितना बड़ा साइज हम बिज़नेस का बनाना चाहें उसके हिसाब से, या किस तरह का बिज़नेस हम कर रहे हैं उसके हिसाब से पैसों की आवश्यकता होगी. प्रोफेशन में हमें थोड़ा लिमिटेड कैपिटल लगेगा पर उसका भी अमाउंट प्रोफेशन के हिसाब से बदल सकता है. जैसे हमें नर्सिंग होम खोलना है ज़्यादा पैसा, छोटा क्लिनिक खोलना है तो कम पैसा. एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें कोई कैपिटल लगाना नहीं पड़ता है, हम अपनी योग्यता के अनुसार हम जॉब पाते हैं. रिस्क क्या होता है, तो बिज़नेस में क्या रिस्क है, हमेशा दुविधा बनी रहती है, अनिश्चितताएं रहती है और रिस्क ज़्यादा होता है. प्रोफेशन में हमें उतना रिस्क नहीं होता कंपेरेटिव टू बिज़नेस. और एम्प्लॉयमेंट में हमें कोई रिस्क ही नहीं होता, हमें रेगुलर पेमेंट मिलती रहती है. नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, पॉइंट नंबर 7. ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट जो है, तो बिज़नेस में क्या है, हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपनी अगली पीढ़ी को. अगर किसी व्यक्ति की शॉप है तो वो आगे अपने बच्चों को वो सुपुर्द कर सकते हैं. परंतु जब हम प्रोफेशन में बात करते हैं तो कोई डॉक्टर है तो अपने बच्चों को भी डॉक्टर सीधे अपनी डिग्री देके उसे काम नहीं, उसे भी पढ़ना होगा, तो वो पॉसिबल नहीं होता है. वैसे ही एम्प्लॉयमेंट में भी पॉसिबल नहीं होता है. कोड ऑफ कंडक्ट क्या होते हैं, मतलब क्या नियम कायदे पर हमें पालन करने पड़ते हैं. तो बिज़नेस में कोई ऐसे नियम कायदे नहीं है, जितनी आप मेहनत करेंगे वैसा होगा. प्रोफेशन में कुछ ना कुछ कोड ऑफ कंडक्ट हमें फॉलो करने पड़ेंगे, गाइडलाइन को मानना पड़ेगा. और जब हम एम्प्लॉयमेंट में बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट में भी हमें हमारे एम्प्लॉयर या जिसके तहत हम नौकरी कर रहे हैं उसकी बातों को हमें सुनना पड़ेगा कोड ऑफ. तो इस तरह जो ये बिज़नेस टर्म है इसके और समझने के लिए अगर हम बात करें तो ये वर्ड एक शब्द बिजी से आया है, उसका मतलब है किसी चीज़ में व्यस्त रहना. सो बिजनेस रिफर्स टू एनी ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज इन एक्टिविटी विथ ए व्यू टू अर्न प्रॉफिट, है ना. तो इसमें है कोई भी व्यक्ति
लगातार किसी कार्य को करने की कोशिश करता है और अंतिम उद्देश्य होता है उसको प्रॉफिट को अर्न करना या लाभ कमाना। इसी तरह जब हम एग्री बिजनेस की बात करते हैं, कृषि व्यवसाय, ध्यान देने योग्य बात है डियर स्टूडेंट्स कि जब हम बात कर रहे हैं एग्री बिजनेस की, तो इस ये जो है ये हम एग्री बिजनेस और हॉर्टिकल बिजनेस दोनों की हम बात कर रहे हैं। तो जो ब्रिटानिया इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया है उसने डिफाइन किया है कि जो एग्री बिजनेस है वो एग्री ऑपरेटेड बिजनेस होता है, मतलब किसी एग्रीकल्चर के कार्य को बिजनेस की तरह किया जाना है ना, जिसमें क्या क्या है हम अधिक इकोनॉमी के लिए डेब्यूट करते हैं, जिसमें हम प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इन सब कार्यों को करते हैं और यहाँ पे जो पैसा है वो हमें किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वित्तीय संस्थान के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। वैसे ही एग्रो इंडस्ट्री को अगर हम समझने की कोशिश करें तो एग्रो इंडस्ट्री क्या होती, लिंक होता है किसी इंटरप्राइज और वैल्यू चेन का, जिसमें हम डेवलप करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी स्पेसिफिक इनपुट्स को प्रोडक्ट में जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से आते हैं। तो जो टर्म एग्री बिजनेस एंड एग्रो इंडस्ट्री जो है वो अधिकतर किस लिए यूज़ होता है, एक बड़े स्केल फार्मिंग के लिए, एक लार्ज स्केल फार्मिंग के लिए, जबकि जो छोटे स्तर के जैसे सीमांत और लघु किसान जो होते हैं उनके लिए हम अधिकतर इसे यूज़ नहीं करते हैं। परंतु जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, हम परिभाषा पढ़ते हैं, तो हम इसको सम्मिलित करते हैं अधिकतर डेफिनेशन में, चाहे वो लार्ज स्केल फार्मिंग हो या स्मॉल स्केल फार्मिंग हो, दोनों को ही। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ने भी अपने तरीके से इसे परिभाषित किया है, तो उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि एग्री बिजनेस जो है वो बिजनेस है, बिजनेस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग फार्मिंग, प्रोसेसिंग, एक्सपोर्ट, इनपुट सप्लाई, ट्रेडिंग एंड रिटेलिंग, इन सभी को उन्होंने सम्मिलित किया। तो सभी वही बातें कहना चाह रहे हैं कि जो टर्म एग्री बिजनेस है वो ओवरऑल एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है जो बहुत सी चीज़ों को समाहित करती है। जब हम बात करते हैं ये एग्री बिजनेस शब्द कहाँ से आया, तो यह सबसे सर्वप्रथम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1957 में इसका यूज़ हुआ, और कहाँ हुआ, एक बुक पब्लिश की गई, ए कॉन्सेप्ट ऑफ एग्री बिजनेस, यहाँ सबसे पहले यह एग्री बिजनेस शब्द सुनने को मिला। और यह बुक किसने लिखी थी, तो यह बुक लिखी थी जॉन डेविड एंड ए गोल्डबर्ग ने। उसके बाद शुरुआती 1966 के दौर में फिलीपींस में इस कॉन्सेप्ट को लिया गया और पहला एग्री बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट लेवल पर चलाया गया। उसके बाद 1969 में एग्री बिजनेस का पहला सेमिनार मनीला में किया गया। जो ऑर्थर थे इस बुक के, उन्होंने भी अपनी डेफिनेशन दी है, तो उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने कहा एग्री बिजनेस इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच इंक्लूड्स द सम टोटल ऑफ ऑल ऑपरेशन इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्म सप्लाइज, प्रोडक्शन ऑपरेशंस ऑन द फार्म एंड स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्म कमोडिटीज एंड आइटम मेड फ्रॉम देम। तो उन्होंने कहा कि यह एक अर्थशास्त्र का विषय है जिसके तहत हम सभी चीज़ों को समाहित करते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चर करना, फार्म सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करना, स्टोरेज करना, प्रोसेसिंग करना इत्यादि। इस तरह एग्री बिजनेस को और अगर हम समझना चाहें तो एग्री बिजनेस के तीन क्षेत्र होते हैं, एक होता है इनपुट या आदान क्षेत्र, फार्म सेक्टर और प्रोडक्ट सेक्टर। तो इनपुट सेक्टर फर्स्ट जो है, इनपुट सेक्टर डील करता है सप्लाई ऑफ इनपुट से, मतलब जो आदान है जो हमें खेती किसानी में लगने वाले हैं, चाहे पशुपालन में या अन्य चीज़ों में, उनको उपलब्ध कराने से रिलेट करता है, जैसे बीज, खाद, केमिकल, मशीनरी, पशु चारा इत्यादि। फार्म सेक्टर जो होता है सेकेंड जो है, फार्म सेक्टर अधिकतर उसके उत्पादन से संबंधित होता है, जैसे क्रॉप हो गया, लाइफ स्टॉक हो गया या अन्य उत्पाद हो गए। और तीसरा जो है प्रोडक्ट सेक्टर, वो बहुत सारी गतिविधियों को समाहित करता है, जैसे कि स्टोरेज करना, प्रोसेस करना, मार्केटिंग करना, इन सब का। इसलिए ये डायनेमिक है,
सेक्टर जो हमारे उत्पाद को कंज्यूमर्स की नीड को उपभोक्ताओं की नीड को पूरा करता है। अंततः जो अगर हम बात करें तो एग्री बिजनेस इज सम टोटल ऑफ ऑल ऑपरेशंस और एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ फार्म सप्लाइज एंड फार्म प्रोडक्ट्स फॉर अचीविंग द टारगेटेड ऑब्जेक्टिव्स, है ना। तो ये सभी ऑपरेशन को इंक्लूड करता है जिसमें प्रोडक्शन मार्केटिंग फार्म सप्लाई की होती है और हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो दीज आर सम रेफरेंसेस जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने सजेस्टेड रीडिंग के लिए और ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। तो इस चैनल में आपको और चीज़ें प्राप्त होंगी। पढ़ते रहिए, ज्ञान बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।